बॉबी झा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। पहले चरण के चुनाव में कहीं झड़प में मौत तो कहीं ईवीएम पर हंगामा। राहुल गांधी बोले पिछले 5 साल में सिर्फ 15 लोगों के लिए चलाई गई सरकार। जिस गोरखपुर सीट से सीएम योगी 5 बार लगातार रहे सांसद, अब वहाँ इस विधायक के उम्मीदवार बना सकती है बीजेपी। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण के चुनाव में कई जगह हिंसक झड़पें हुई और कई जगह ईवीएम खराब होने पर हंगामा। यूपी के कैरान में 2 जबरन वोट डालने के लिए घुस रहे लोगों को रोकने के लिए बीसीएफ जवानों को हवा में फायरिंग करनी पड़ी। आंध्र प्रदेश में चुनावी झड़प में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। वहां महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मतदान प्रभावित करने नक्सलियों को विस्फोट किया गया। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। अन्य राज्य में मतदान शांतिपूर्वक रहा। तमिलनाडु के कृष्णागिरी की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में सिर्फ 15 लोगों के लिए सरकार चलाई है और आप सभी उनके नाम जानते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के अहमदनगर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पहले की सरकार पाकिस्तान के सामने कमजोर थी। सैनिक बदला लेने की मांग करते थे, लेकिन तब की सरकार को सांप सूंघ जाता था। परंपरागत गोरखपुर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी तय करने के मुद्दे पर बीजेपी में चल रहा मंथन पूरा हो गया है। इस गहन मंथन के नतीजों की घोषणा अब कभी भी हो सकती है। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र की ही पिपराई सीट से विधायक महेंद्र पाल सिंह भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। महेंद्र पाल पिछड़ी जाति के हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं। मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए पहले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के अपराजय सांसद रहे हैं। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।